गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखा होगा और उससे आपने क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का जो है वो आपने कुछ बहुत सारी नॉलेज को गेन किया होगा, देखा होगा कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एनर्जी की नीड कैसे हमें होती है और हमारी बॉडी में इतने सारे लाइफ प्रोसेस रन करते हैं वो कैसे चलते हैं। हम वहाँ से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तक मैंने आपको बताई थी और उसको बताते हुए हम डाइजेस्टिव सिस्टम तक आपके पहुँच गए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको इन सभी बातों को, ईसोफेगस को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, इन सभी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और इस पेज को हमने लास्ट डे फिनिश कर लिया था। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा। कई सारे टेंथ के स्टूडेंट ने, है ना, ये वीडियो अभी नहीं देखा हुआ है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपना नाम लिख करके कमेंट ज़रूर करो जिससे मुझे पता चल सके कि क्लास टेंथ का कौन कौन सा स्टूडेंट इसको देख रहा है, ओके, है ना। तो आपका नेम मुझे याद रह सकेगा, है ना। तो इससे बहुत सारी एक कंडीशंस हैं कि आपकी अटेंटिवनेस जो है वो रहेगी, आपकी प्रेजेंसी का मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को देखा हुआ है और समझा है। चलो ठीक है, हम ज़्यादा टाइम को नहीं गंवाते हैं और न्यू पेज से हम नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली टॉपिक तो वही चल रहा था डाइजेशन सिस्टम का ही, अभी वो फिनिश नहीं हुआ था तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज के वीडियो में। देखिएगा बेटा, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ को हम जूम कर देते हैं जिससे आप बेटर वे में इसको समझ सकें। हम थोड़ा सा और छोटे हुए जा रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके बेटा। चलिए, यहाँ से देखिएगा, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकिंग केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक्चुअल में हमारा जो स्टमक होता है उसमें कई सारी ग्लैंड होती हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, ये स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होती हैं। सो दीज रिलीजेज वाई हाइड दीज रिलीजेज, और ये क्या रिलीज करती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको याद होगा हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl करके भी बोला था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। ये रिलीज होता है हमारी स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से। देखना बेटा, गैस्ट्रिक वर्ड ऑलवेज यूज्ड फॉर स्टमक, ओके, गैस्ट्रिक वर्ड, है ना। वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो गया, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन है ही, है ना, तो ये हो जाएगा। तो देखिएगा, आपको याद हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, सॉरी, जो एसिड रिलीज होता है वो क्या होता है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे देखना, ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और एक एंजाइम और रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन बनेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या रिलीज होता है, तो आप बता सकते हो कि सर एक एसिड रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा रिलीज होता है पेप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन। और क्या रिलीज होता है, एक और सबस्टांस होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। तो थ्री सबस्टांस रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। देखना इनका फंक्शन क्या क्या होता है बेटा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये रिलीज करता है, ये क्या रिलीज करता है देखना, ये एक्चुअल में पेप्सिन को मीडियम, ये मैंने लास्ट डे बताया हुआ था, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, तो इसलिए ये एसिडिक मीडियम बनाता है, देख लेना। सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, ये एसिडिक मीडियम को क्रिएट कर रहा है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। सो वॉट अदर फंक्शन डू यू थिंक, है ना, और क्या क्या फंक्शन ये करता है, तो देख लो, एंजाइम पेप्सिन वॉट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाई द एसिड, और वो करता है, मैंने बताया था कि ये जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को, जो भी हमारे फूड के थ्रू हमारे स्टमक में जाते हैं उनको भी किल कर देता है। अब आप कहोगे सर फूड के थ्रू कैसे जाते हैं, तो देखो बेटा, कई बार हम स्टेल फूड, स्टेल मीन्स होता है बासी खाना,
है ना, जैसे रखा हुआ खाना खाते हैं ना, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं नेक डाई से थ्रू, और वही हमारे स्टमक में जाके फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादा रखा हुआ और ज़्यादा बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, गर्म और फ्रेश फूड ही हमको खाना चाहिए। हम लोग बफर सिस्टम में जाते हैं, शादी में जाते हैं, है ना, छोले पनीर रखा होता है सुबह का बना हुआ, है ना, और खट्टा भी हो जाता है, थोड़ा सा लगने भी लगता है ख़राब हो गया, तब भी कई लोग खींच जाते हैं, है ना, तो ऐसा हमको नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा जी हम इसको, वॉट अदर फंक्शन डू हो गया, ठीक है ठीक है, ये सब डिस्कस हो गए हैं। वी हैव, यहाँ पे देखो भैया, चलो इसको हम देख लेते हैं। वी हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट कंप्लेंट अबाउट एसिडिटी, कई लोगों को आपने सुना एड इतने आते हैं, है ना, वो देखते हो इनो तुरंत शक्तिदायक 6 सेकेंड में, है ना, 6 सेकेंड में असर करता है। एक्चुअल में वो इनो क्या होता है, क्योंकि उस इनो में थोड़ा सा एल्कलाइन कंडीशन या बेसिक कंडीशन मिली हुई होती हैं, है ना, जिससे क्या होता है सबस्टांस मिले होते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में एसिड रिलीज हुआ है वो उस बेसिक सबस्टांस के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से हमें एसिडिटी से राहत मिल जाती है, पेट में चेस्ट में जो जलन हो रही होती है उससे राहत मिल जाती है। तो आपने बड़े लोगों को ये शिकायत सुनी होगी, अरे बहुत गैस बन रही है, बहुत एसिडिटी बन रही है, तो वो यही समस्या होती है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, आगे देखना। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड एबव, क्या ये रिलेटेड होता है जो एबव डिस्कस किया गया, बिल्कुल उससे ही रिलेटेड होता है भाई ये, है ना। आगे देख लेते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाई इंस्फिंस्टर मसल्स। अब जो वाटर, देखो बेटा एक्चुअल में वाटर बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए हमारी बॉडी की मसल्स में जगह जगह पे स्फिंस्टर मसल लगी होती हैं। स्फिंस्टर, ये देखो बेटा स्फिंस्टर एक तरह के वॉल्व जैसे होते हैं, है ना, वॉल्व जो किसी भी सब्सटेंस को बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक फ्लो होना, ठीक है ना। तो ये बैक फ्लो होने देने से बचाता है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, बैक फ्लो नहीं होने देता है। तो उसको स्फिंक्टर मसल्स होती हैं विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। आगे देखो, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जब फूड जितना डाइजेस्ट होना होता है पार्शियली डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद कहाँ एंटर करता है भाई, तो उसके बाद एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इन टू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉयलिंग। अब एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बेटा मैंने आपको बताई थी माउथ से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसका सबसे लंबा पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन फूड दे ईट, हालांकि डिपेंड करता है कि कौन क्या खा रहा है उसकी अकॉर्डिंग जो होती है वो इंटेस्टाइन थोड़ा सा एडजस्ट हो जाती है। हालांकि हर्बीवोर्स जो होते हैं ईटिंग ग्रास, हर्बीवोर्स जो होते हैं घास खाते हैं, है ना, फोडर खाते हैं, इनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस बात को याद रखना। हर्बीवोर्स में इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है और जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें इंटेस्टाइन छोटी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, नाउ द क्वेश्चन इज रेज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्बीवोर्स। सो लिसन टू मी केयरफुली, हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दे ईट ओनली हर्ब्स और ग्रीन प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल, एंड दोज कैन ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनदर एनिमल्स, मीट ऑफ एनदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, लार्ज होती है, ध्यान रख लेना इस बात को, ओके बेटा जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, हाँ, मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट। अब कुछ बच्चों को लगेगा कार्निवोर्स में ये जो होती है स्मॉल क्यों होती है, हर्बीवोर्स में लॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना थोड़ा इजी होता है। देख लो भाई, मीट को डाइजेस्ट करना कैसा होता है, इजी होता है, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखोगे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, है ना, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जो ओनली कार्निवोर्स है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है और हर्बीवोर्स की लार्ज होती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, आगे देखिएगा।
हैंस कार्निवोर्स लाइक, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है। तो कई स्टूडेंट को लगेगा कि सर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भी तो सर लार्ज इंटेस्टाइन आता है, पर बेटा ऐसा नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन आता तो है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डाइजेशन सिस्टम की। ओके बेटा, तो फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है, तो फूड डाइजेस्ट जो होता है वो कहाँ होता है, वो डाइजेस्ट होता है कम्प्लीटली डाइजेशन फूड का जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके बेटा, याद रखिएगा। देखिएगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है। तो आप याद रखोगे कि सर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का कंप्लीटली डाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा हम। देखिएगा, इट रिसीव द सेक्रीशन ऑफ द लीवर, और इसमें लीवर से, पैनक्रियाज से, है ना, अदर अदर पार्ट से सेक्रीशन मिक्स होते रहते हैं और ये डाइजेस्ट होता रहता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम। हमने आपको बेटा बताया था कि स्टोमक में फूड कैसा होता है, चलो बेटा। ओके बेटा, तो हमने कहा था कि एक्चुअल में स्टमक से फूड जब पास आउट होता है तो उसमें एसिडिक कंडीशन होती है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। जबकि वो जब इंटेस्टाइन में एंट्री लेता है तो वहाँ पे उसको एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है। देख लो कैसे मीडियम की ज़रूरत होती है, एल्कलाइन मीडियम की। क्यों ज़रूरत होती है एल्कलाइन की, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। देखो बेटा, हमने आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम बताया था स्टमक में, कौन सा था, पेप्सिन। क्या था बेटा, पेप्सिन, है ना। इसी तरह से इंटेस्टाइन में बहुत सारे पैनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं जो वर्क करते हैं एल्कलाइन मीडियम में। पेप्सिन किस मीडियम में वर्क कर रहा था, एसिडिक मीडियम में, इसीलिए HCl वहाँ पे सेक्रेट होता है। लेकिन पैनक्रिएटिक एंजाइम एल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं तो यहाँ पे एल्कलाइन चाहिए। तो देख लेते हैं, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, ध्यान देना, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एकॉम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम का कंडीशन बता दिया। अब दूसरा हो गया बाइल जूस। बाइल जूस समझ लो, बाइल कहाँ से सेक्रेटेड होता है, तो बाइल सेक्रेटेड होता है लीवर से, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में।
कहाँ से सेक्रेटेड होता है? लीवर से सेक्रेटेड होता है। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। फंक्शन क्या होता है इसका? तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और इसको डाइजेस्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो वो उसके ऊपर असर नहीं दिखा पाता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है? ब्रेक देम डाउन इन टू ए स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। बाइल सॉल्ट उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। एंड द इफिशेंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, क्योंकि इसमें क्षमता होती है एंजाइम एक्शन करने की। सो दिस इज सिमिलर टू द इमल्सीफाइंग एक्शन। देखो बेटा, इमल्सीफाइंग वर्ड आया ना, इमल्सीफिकेशन वर्ड फैट के डाइजेशन से रिलेटेड है। जिस तरह से इमल्सीफिकेशन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर फोर में आप पढ़ोगे क्लास टेंथ में कि फैट के ऊपर इमल्सीफिकेशन की रिएक्शन कैसे होती है। ओके, आगे देखिएगा। द पैनक्रियाज सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है विच कंटेन एंजाइम्स। क्या क्या एंजाइम होते हैं? देखो बेटा, वैसे तो इसकी एक ट्रिक है, लेकिन वो कंपटीशन में काम आती है। अगर आपका मन है तो आप याद कर लेना, मैं आपको कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप याद रखोगे, पैनक्रियाज से सेक्रेट होने वाले एंजाइम के कुछ नेम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। पैनक्रियाटिक जूस, पीजे से मतलब पैनक्रियाटिक, ठीक है। तो देखना बेटा, पूजा जी, हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई हुई है, पूजा जी ट्राई करो। ट्राई से मतलब ट्रिप्सिनोजिन, करो से मतलब कीमोट्रिप्सिनोजिन। पूजा जी ट्राई करो पेप्सी मतलब पेप्सिन और मतलब एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है ना। तो पूजा जी ट्राई करो पेप्सी और लिमका न्यू क्लास में। तो देखो बेटा, कितने हो गए? पूजा जी से तो मतलब होगा पैनक्रियाटिक जूस, ट्राई से ट्रिप्सिनोजिन हो जाएगा, ट्राई करो से हो जाएगा बेटा कीमोट्रिप्सिनोजिन, ट्राई करो पेप्सी से मतलब पेप्सिन, ट्राई करो पेप्सिन एंड लिमका मतलब लाइपेज एंड न्यू क्लास में मींस न्यूक्लियेजिज में, न्यूक्लियेजिज एंजाइम। तो ये सब सेक्रीशन होते हैं हॉर्मोन्स के, एंजाइम के, जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूस से। ओके बेटा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी एंजाइम यहाँ पे फंक्शन करेंगे, देख लेना बेटा जी, ध्यान से सुनना, है ना। सो दिस इज सिमिलर टू द इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर फोर। द पैनक्रियाज सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेंस एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन होता है डाइजेस्टिंग प्रोटीन। देखो, पेप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर रहा था, ध्यान से देखना बेटा, पेप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर रहा है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन ऑन इमल्सिंग फैट, और लाइपेज किसको करेगा? वो लिपिड को यानी फैट को डाइजेस्ट करेगा। सो द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रेट अ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस होता है इसमें, ठीक है ना। अब इंटेस्टाइन से जो सेक्रेट होता है वो इंटेस्टाइनल जूस हो जाएगा। सो द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये डाइजेस्ट होने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाए। ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के क्या बनाएगी? एमाइनो एसिड बनाएगी। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के क्या बनाएगी? एमाइनो एसिड। ओके बेटा, चलो हो गया। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के क्या बनाएगा? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। उसके बाद देखना बेटा, बचा क्या? बचा फैट। तो फैट डाइजेस्ट होकर के लिपिड और फैटी एसिड बनाएगा, मीन्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर आप सही से देखो तो याद रखोगे, फैट डाइजेस्ट होकर के क्या बनाता है? देखो, ये साफ साफ लिखा है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। मेरे जितने भी वीडियो पड़े हैं सभी को देखिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट डालिएगा, अपना नाम लिख करके क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट कमेंट ज़रूर डालेंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, है ना, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखिएगा। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन, सही है। डाइजेस्टेड फूड बॉल ऑफ इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन के लिए जाता है। यहाँ पे बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, देखिएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ये देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है विद इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि देखो बेटा ये ऐसे होते हैं, ध्यान से देखना, ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए तो ये सर्फेस एरिया इनसे इंक्रीज हो गया। अगर ये सीधा सीधा होता तो कम एब्जॉर्प्शन कर पाता, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए तो इन सभी पार्ट से ये एब्जॉर्प्शन करता है और फूड जो होता है डाइजेस्ट होने के बाद एसिमिलेट हो जाता है। ओके, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और यहाँ से ये हमारी बॉडी में एनर्जी इसके लिए चला जाता है ब्लड की हेल्प से। सो बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, और हमारी बॉडी में जो ब्रेकडाउन होती है, टूट फूट होती है, उनको ये सही करता है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड, और जो नहीं एब्जॉर्ब होता है, जिसका यूज नहीं होता है, वो इगिस्ट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है, एक छोटा सा नोट दिया गया है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखना बेटा, मोर टू नो मतलब आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? देख लेते हैं भाई। डेंटल कैरीज और टूथ डिके, बहुत अच्छी सी बात है बेटा। दांतों का सड़ना और दांतों में जो गलन पैदा होना, सड़ना, बदबू आना, ये क्यों होता है? कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनेमल एंड डेंटाइन। देखो बेटा हमारे टीथ, जो दांत है ना, इसके जो ऊपर की कवरिंग है उसको एनेमल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एनेमल और डेंटाइन में डिके होने लगता है, सड़न पैदा होने लगती है। आपने सुना है ना बेटा, है ना, एड बहुत सारे आते हैं, है ना, चिंटू आइसक्रीम नहीं खाना, आइसक्रीम, मम्मी डांटती है ना, आइसक्रीम नहीं खाना, क्यों? वो कहता है नहीं मैं तो पेप्सोडेंट करता हूँ, डिसुम डिसुम। वो क्यों है बेटा? वो पेप्सोडेंट में, एक्चुअल में, हम जितना भी खाना खा रहे हैं एसिडिक कंडीशन की वजह से हमारे माउथ में सड़न और गलन पैदा हो जाती है अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। अब जो बच्चे बोलते हैं नहीं मैं तो पेप्सोडेंट करता हूँ, उस पेप्सोडेंट में एक्चुअली, कॉलगेट में एक्चुअली, है ना, बबूल, है ना, जो भी आते हैं पतंजलि वाले या रेड टू जो भी हैं बेटा, है ना, इन सभी में थोड़ा सा बेसिक कंडीशन होती है, है ना, सॉल्ट वगैरह। अब देखते हैं क्या आपके खाने में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, है ना, वो ऐड आता है, आपने देखा ही होगा, है ना। तो वो सब क्यों है बेटा? इसका लॉजिक समझो, बायोलॉजिकली समझो इसको बेटा। उसमें एक्चुअल में एल्कलाइन कंडीशन होती है तो वो हमारे माउथ में जो भी एसिडिक कंडीशन होती है उसको ख़त्म कर देती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे देखना, इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं शुगर, हम जो भी खाते हैं ना वो हमारे दांतों की, है ना, जगह जगह कुछ ना कुछ भर जाता है बेटा, तो उसको बैक्टीरिया खाते हैं। दैट सॉफ्टेंस डीमिनरलाइज द एनेमल, एनेमल को डीमिनरलाइज कर देता है जिससे एनेमल सड़ने लगता है। आगे देखना, सो मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ फ्रॉम डेंटल प्लेक, ठीक है ना, उससे डेंटल की जो प्लेक ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं। सो सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ, है ना, सरफेस टू न्यूट्रलाइज, अकेला सलाइवा इसको न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल नहीं होता है, इसलिए बेटा यहाँ पे मैंने प्लेक कवर द टीथ। सो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड, बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते रहते हैं और दांत सड़ते हैं। सो इफ ट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, अगर हमने सही से इसका ध्यान नहीं दिया तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा बेटा। इन्फ्लामेशन में सूजन आना होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, गम्स जो होते हैं सूज जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार गम्स ब्लीडिंग भी हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे, है ना बेटा। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से समझो, वीडियो को लाइक जरूर करो, अपना नाम लिख करके कमेंट जरूर करो कि सर मुझे क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, अच्छा लगा तो भी बताओ, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ऑनेस्टली अच्छे शब्दों में मुझे बताओ कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका पक्का नेम भी लूँगा और आपको समझाऊँगा। ओके, और जब हमारी लाइव क्लास होगी तब भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे पास पूरा डेटा रहता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, जिससे मुझे पता चल सके। ओके बेटा, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।